नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत के शब्दों को अगर थोड़ा हेर फेर कर दें और कुछ यूं कहें, कहीं का फोटो कहीं चिपकाया, बीजेपी ने अपना विज्ञापन बनाया। आप सोचेंगे ये मैं कौन सी बात कर रहा हूं। नहीं, दरअसल आए दिन ऐसा होता है जब बीजेपी का प्रचार तंत्र, बीजेपी की आईटी सेल या बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी कहीं के फोटो को कहीं चिपकाती है, अपनी उपलब्धियां गिनाती और बताती है, अखबारों में विज्ञापन देती है, खबरों में वो तस्वीरें छपती है। बाद में पता चलता है कहानी कुछ और है, जिसकी तस्वीर है वो कोई और है, बीजेपी जिस तरह से प्रचारित कर रही है उसकी कहानी कुछ और है। अभी ताजा मामला फिर से एक आया है, दिल्ली में झुग्गी सम्मान यात्रा करीब करीब 1.5 महीने से बीजेपी की तरफ से चल रही है, झुग्गी के नायकों के नाम, उन्हें सम्मानित करने के लिए, क्योंकि अगले साल दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होना है। तो बीजेपी की सम्मान यात्रा, झुग्गी सम्मान यात्रा, झुग्गी के नायकों के नाम जो प्रचार सामग्री है, पोस्टर और बैनर है, उस पोस्टर बैनर में झुग्गी वासियों की कुछ तस्वीरें छपी है, ये जताने के लिए कि बीजेपी झुग्गी में रहने वाले लोगों को कैसे झुग्गियां दे रही है, या उनके लिए इंतजाम कर रही है, या उनके जीवन स्तर को सुधारने के बेहतर तरीके ढूंढ रही है या उपाय कर रही है। तो उसमें एक तस्वीर छपी है, आप हैरान होंगे शायद, तमिलनाडु के तमिल साहित्यकार और तमिल प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन का। कहां दिल्ली में झुग्गी के नायकों का सम्मान और कहां तमिलनाडु के प्रोफेसर का की तस्वीर। अब ये जरा इसको इस तरह से समझिए कि बीजेपी जब पोस्टर बैनर और विज्ञापनों में कहीं का तस्वीर कहीं छापती है और अगर उसको कुछ लोग एक्सपोज ना करें, चाहे वो ऑल्ट न्यूज हो या ऐसे फैक्ट चेकर हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। और इस बार जो हुआ है, अभी बीते कुछ दिनों में कई ऐसी तस्वीरें छपी है और बीजेपी ने कई बार ऐसा खेल किया है, लेकिन पहले यह खेल समझिए। इस झुग्गी सम्मान यात्रा का जो पोस्टर बैनर है, तस्वीर में स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, अभी कल भी सोमवार को दिल्ली में जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में भी एक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ पटेल नगर में, जिसमें झुग्गी वासी जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे वो थे, क्योंकि उन्हें संबोधित करके, चूंकि बड़ा वोट बैंक है झुग्गी वासियों का, इसलिए उन्हें इकट्ठा भी किया गया, संबोधित किया गया। पीछे जो बैनर लगा था उस बैनर में फिर जो कुछ तस्वीरें हैं, 4 या 5 लोगों की तस्वीर है, उसमें तमिल साहित्यकार पेरुमल मुरुगन की तस्वीर है। और ये खबर कल शाम से, कल दोपहर से कुछ फैक्ट चेकर्स ने यह खोजबीन करके निकाला कि वो साहित्यकार 10 किताबें लिख चुके हैं। और तो और, कुछ साल पहले बीजेपी और आरएसएस के लोग पेरुमल मुरुगन की किताब भी जला चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर चुके हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति का विरोधी भी बता चुके हैं। तो इससे आप समझिए कि दिल्ली में 1.5 महीने से जो बीजेपी का झुग्गी सम्मान यात्रा चल रहा है, झुग्गी वासियों को वोट बैंक की तरह समझते हुए उन्हें पटाने के लिए या उन्हें अपने पाले में रखने के लिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए 35 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के नेताओं के जमावड़े लग रहे हैं और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा रहे हैं, उसके लिए भी क्या, अगर लाखों लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं, लोकल बॉडीज पर बीजेपी का कब्जा रहा दशकों से, क्या उन्हें 5 ऐसे प्रतिनिधि नहीं मिल पाए या 5 ऐसे किरदार जिनकी तस्वीर अपने प्रचार सामग्री में लगा सके। वहां आपने तमिलनाडु के एक साहित्यकार का लगा दिया, ट्विटर पर कल शाम से बहुत लोग लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने इसे रंग भेद से भी जोड़ा है, क्योंकि तमिलनाडु के हैं, आप समझते हैं उधर के लोगों का रंग थोड़ा सांवला होता है, आप झुग्गी वाला दिखाने के लिए आपने कहीं से गूगल से या जहां से भी एक तस्वीर निकाली और उसके बाद वो तस्वीर चिपका दी अपने विज्ञापन में और लगातार विज्ञापन पोस्टर में वो तस्वीर चिपकी। अब कुछ लोगों ने, जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने कल पूछा भी, पूछताछ की बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछा और भी लोगों से पूछा, उन्होंने कन्नी काटते हुए सब नजर आए। लेकिन इससे सिर्फ ये समझिए कि प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कैसे करती है। और बीते कुछ दिनों में 3-4 बड़ी ऐसी
घटनाएं हुई, घटनाएं क्या हुई, ऐसी तस्वीरों का फर्जीवाड़ा हुआ, जैसे ये फर्जीवाड़ा है, एक फर्जीवाड़ा बड़ा था अभी अभी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया 3 दिन पहले, कि जेवर एयरपोर्ट जिसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया बहुत गाजे बाजे के साथ, उस शिलान्यास के मौके पर भी चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की जो तस्वीर है वो तस्वीर लगा दी गई, जो एक प्रस्तावित एयरपोर्ट है जो 2024 में शुरू होगा, उस एयरपोर्ट के विज्ञापन में, विज्ञापन मतलब जो प्रचार सामग्री थी जिसको कई मंत्रियों ने ट्वीट किया, एक पोस्टर में जिसमें आदित्यनाथ खुद थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्हें बीजेपी के कई नेताओं ने, विधायकों ने, आईटीसीएल ने ट्वीट किया, हर पोस्टर में, हर वीडियो में, जिसे केंद्रीय मंत्री, यहां तक के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तक ट्वीट कर रहे थे, उसमें भी चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर थी। यह एक बार पहली बार की बात नहीं है। क्या भारत सरकार जिस एयरपोर्ट को हजारों करोड़ खर्च करके बना रही है उसका एक मॉडल नहीं है, उसका कोई एनिमेशन नहीं है, उसका उसकी कोई प्रतीकात्मक तस्वीर भी नहीं है? यह सब बने बगैर आपने शिलान्यास कर दिया और बीजिंग की तस्वीर चुरानी पड़ गई, उसके लिए लानत, मलामत, फजीहत सब हुई, और मैंने भी वीडियो में आपको दिखाया। लेकिन फिर ये क्या इससे पहले नहीं हुआ? इससे पहले बहुत चर्चित कहानी बंगाल के फ्लाईओवर की तस्वीर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के विज्ञापन में छापने की है, योगी आदित्यनाथ का पूरे पन्ने का विज्ञापन और उसमें कोलकाता का मां फ्लाईओवर की तस्वीर और साथ में नीचे फैक्ट्री की तस्वीर जो किसी विदेशी फैक्ट्री की तस्वीर थी। तो यह फर्जीवाड़ा बीजेपी की प्रवृत्ति है, चूंकि उनके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी है, चूंकि उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कई ब्रांच है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, हजारों लाखों उनके व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करने वाले उनके जो क्या बोले ट्रोल ब्रिगेड के लोग हैं, और उसके बाद आप तक पहुंचाने की बहुत सुनियोजित ढंग से काम करने वाली मशीनरी है, इसलिए इस फर्जीवाड़े को आप तक पहुंचाया जाता, आप समझ ही नहीं पाते हैं जो तस्वीर देख रहे हैं वो क्या है और हकीकत क्या है। और दिल्ली में जब ये कर सकते हैं कि झुग्गी वासियों के सम्मान में, जिसमें अपने पार्टी अध्यक्ष को भी बुला रहे हैं, और उसमें अगर तमिल प्रोफेसर की तस्वीर लगी है, मैं देख रहा हूं अभी प्रकाश रे जो पत्रकार हैं उन्होंने भी लिखा कि बहुत सारे उन्होंने लिखा जैसे तमिल साहित्यकार पेरुमल मुरुगन की फोटो चिपकाकर दिल्ली में झुग्गी का सम्मान हो रहा है, जो अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर, उन्होंने भी लिखा, और इन लोगों ने अगर एक्सपोज समय समय पर नहीं किया होता तो पता ही नहीं चलता। अब यूपी में क्या होता है, यूपी में तो इस मामले में मास्टरी है। पहले भी इसी साल मार्च की बात है, दो बड़ी ऐसी कहानियां आई थी सामने, जिसमें एक चर्चित कहानी थी, कहानी कहें जो भी कहें, प्रोपेगेंडा की मिसाल कहें, कि एक दुर्गेश चौधरी नाम के एक शख्स का वीडियो खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा गया इन्हें लेखपाल की नौकरी मिली और कितने खुश हैं, और पूरी बीजेपी मशीनरी उसको प्रचारित करती रही। बाद में पता चला उसकी कहानी कि दुर्गेश, और चूंकि लोग ट्विटर पर लिखने लगे और पूछने लगे कि भाई 2021 में आप लिख रहे हैं कि दुर्गेश चौधरी को लेखपाल की नौकरी मिली, 2015 के बाद से लेखपाल की नियुक्ति नहीं हुई 15 या 16 के बाद, तो अचानक कहां से आया? तो पूछताछ, पड़ताल, तमाम तरह के सवाल, उसके बाद पता चला कि वो कहानी कुछ और है, दुर्गेश चौधरी बीच में कहीं गुम भी हो गया, कहीं कहा गया नेपाल चला गया, और उसके बाद उस वीडियो के फर्जीवाड़े के बाद बहुत जगह से वो वीडियो डिलीट भी कर दिया गया। ऐसी एक कहानी दुर्गेश चौधरी के अलावा एक कहानी आई रियाज की, ये लखनऊ के रियाज थे, लखनऊ के रियाज की कहानी आई, उनका भी दिया गया नौकरियों के विज्ञापन और प्रचार सामग्री में उनकी उनकी भी तस्वीर लगी, और दिलचस्प बात है वो भी योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से भी गई, 10 मार्च को योगी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वीडियो शेयर किया गया, दुर्गेश चौधरी को लेखपाल की नौकरी वाला, उसका खुलासा हुआ तब तक दूसरी कहानी आ गई, और ट्विटर पर ही लगातार ये सवाल जब उठे तो रियाज को लेकर भी जो जानकारी है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। रियाज को लेकर पता चला कि वो पोल्ट्री फार्म चलाता है और उसका जो पोल्ट्री फार्म है वो सपा सरकार के वक्त से है, तो ये भी नहीं कह सकते कि वो उनका पोल्ट्री फार्म कोई योगी राज में उन्हें कुछ संसाधन मिले या उससे हुआ, बल्कि उस शख्स ने खुद भी कहा कि पहले योगी ने जो ट्वीट किया वो बता दो, रोजगार का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश, अब नहीं जाना पड़ा दूसरे प्रदेश या विदेश, सुने लखनऊ के निवासी रियाज की कहानी उन्हीं की जुबानी, ये लिखा था योगी ने।
ये लिखा था 6 मार्च 21 को, लेकिन उसके बाद यूपी के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने जब इसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, उन्होंने रियाज से बात भी की और तब रियाज ने ही सारी बातों में खुलासा किया कि उन्हें नहीं पता कि उनका वीडियो कैसे कि क्यों डाला गया, हमने कोई वीडियो ट्विटर पर नहीं डाला, हमने कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं की, हमने तो पोल्ट्री फार्म की बात की थी, सपा सरकार में लोन मिला, पहले भी हमारा वीडियो दूरदर्शन पर आया था, हमें इसका कोई आइडिया नहीं, वीडियो का क्या करेंगे, हम तो 2 मिनट भी नहीं बोले, नौकरी क्या, हमें तो फॉर्म लगाकर नुकसान हो गया, ये वो रियाज बोल रहा था। उसी तरह से दुर्गेश चौधरी का वीडियो डिलीट कर दिया गया, क्योंकि दुर्गेश चौधरी में भी ऐसी ही कहानी आ गई कि रोजगार लेखपाल की नौकरी में सत्य नहीं था। तो ये तो प्रोपेगेंडा का एक तरीका होता है, और ये बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में या दिल्ली में, कहीं बंगाल में भी वो चर्चित किस्सा है कि बंगाल में जब चुनाव हो रहा था मार्च में, तो बंगाल में वहां के अखबारों में एक विज्ञापन छपा, बहुत दिलचस्प है, मैं आपको बताता हूं, विज्ञापन छपा कि एक महिला प्रधानमंत्री के साथ, कई अखबारों में विज्ञापन था, स्क्रीन पर वो विज्ञापन मैं लगा रहा हूं, सिर्फ ये समझना इसलिए जरूरी है कि कैसे प्रोपेगेंडा मशीनरी बीजेपी के, कहीं की तस्वीर, कहीं किसी की तस्वीर, कहीं बीजिंग की तस्वीर, जेवर के एयरपोर्ट में कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर, यूपी के विकास में तमिल के प्रोफेसर और साहित्यकार की तस्वीर, दिल्ली के झुग्गी वासियों में कहीं का कहीं इस्तेमाल करती। तो बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में हुआ कि एक लेडी की तस्वीर छपी, 38 साल की लक्ष्मी देवी की तस्वीर, प्रधानमंत्री के साथ बड़े बड़े आधे आधे पेज के विज्ञापन छपे, और उस विज्ञापन में दावा किया गया कि कैसे यूपी में, माफ करें, बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे लोगों को आवास मिला और जिंदगी सुधर गई और जिंदगी बन गई। तो उसी में, और नीचे लिखा था, प्रधानमंत्री आवास में मुझे मिला अपना घर, सिर के ऊपर छत मिलने से 24 लाख परिवार हुए आत्मनिर्भर। तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर्स ने उस महिला को खोज निकाला, विज्ञापन वहां छपी थी, छपा था 14 और 25 फरवरी को, उस महिला को खोज निकाला, जो महिला कोलकाता के एक झुग्गी में रहती थी, उसके पास न तो अपना घर था न उसके पास कोई ऐसे आजीविका के साधन थे, एक रूम के किराए के मकान में 5 परिवार के सदस्यों के साथ रहती थी, और महिला खुद चकराई हुई थी कि मेरी तस्वीर तो प्रधानमंत्री के साथ कैसे छप गई। और ऐसा कहा गया कि उस महिला ने कई अखबार के दफ्तरों के चक्कर लगाए कि आपने कैसे मेरी फोटो छाप दी, उसे नहीं पता था कि ये फोटो सरकार की तरफ से गया है या अखबार वालों का कोई कसूर नहीं है, विज्ञापन है, और वो भी प्रधानमंत्री के साथ। तो जब प्रधानमंत्री के साथ किसी ऐसी महिला की तस्वीर आप छाप सकते हैं जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला, और वो महिला कह रही है, वो झोपड़ी में रह रही है, उसकी तस्वीर न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर वसंत कुमार ने स्टोरी की थी, तस्वीर लेकर, वो विज्ञापन लेकर उस महिला की तस्वीर है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, तो आप समझिए कितना फर्जीवाड़ा है। यूपी में दुर्गेश चौधरी मिलता है, जो लेखपाल की नौकरी जिसे मिल जाती है ऐसा दावा किया जाता है, पता चलता है फर्जीवाड़ा है, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट होता है, बाद में सैकड़ों ट्वीट डिलीट होते हैं, वैसे कोई रियाज नाम का आदमी कहता है, सरकार से की नीतियों से कैसे फायदा होता है पता चलता है, पोल्ट्री फार्म चलाता है, खुद दुखी है, उसे पता ही नहीं उसका वीडियो कब बन गया, और बाकी चीज कितना दोहराएं। और साथ में ये दिल्ली में नई कहानी, चुनाव होना है अगले साल, और उसके बाद पोस्टर में तमिल के साहित्यकार का जिक्र और फोटो, जिक्र क्या, फोटो। तो इससे आप समझिए कि जब भी प्रचार के रंगारंग फुल पन्ने के विज्ञापन देखें तो गौर जरूर करें, आंकड़ों को जरूर समझें। और एक वीडियो और बनाने वाला हूं यूपी में रोजगार के आंकड़ों को दावे को लेकर। बीते 2 या 3 महीनों के दौरान एमएसएमई सेक्टर के जरिए रोजगार के अवसर सृजित करने के कई तरह के दावे, कई विज्ञापन में कई तरह के आंकड़े हैं, कहीं 3.25 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है, कहीं 2.60 करोड़ है, कहीं 2.20 करोड़ है, वो सारे विज्ञापन मैंने इकट्ठा किए। और मेरा सवाल यही होगा कि या तो नौकरी रोजगार 3.25 करोड़ मिले, या 2 करोड़ मिले, या 2.60 करोड़ मिले, ये कैसे हो सकता है कि एक महीने के दौरान विज्ञापन में 1.25 करोड़ का फासला हो जाए, हर विज्ञापन कुछ और कहता हो और हर विज्ञापन सरकार की तरफ से जारी हो। तो ये आंकड़ेबाजी, ये प्रचार तंत्र, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी, ये आईटी सेल और ये कोलाज ऐसे विज्ञापनों का और दावों का, इस पर भरोसा करने से पहले गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब ऐसी मशीनरी होती है जो घर घर तक अपने प्रचार तंत्र के जरिए झूठ को सच साबित करने की कोशिश करती है या सुनहरे सपने दिखाती है,
या जो जमीन पर नहीं होता वो भी दिखाती है, साबित कर देती है। अगर दिमाग खुले रखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे, और उसके बाद काउंटर समझने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, फैक्ट चेकर हैं, उनकी वेबसाइट को जरूर देखते रहें, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और किसानों का आंदोलन चल रहा है अभी, लेकिन उसमें भी कई तरह की खबरें आ रही है। ये कहा जा रहा है कुछ किसान लौटना चाहते हैं, कुछ रहना चाहते हैं किसान संगठन, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ में MSP को लेकर एक और वीडियो में आप समझेंगे कि MSP क्यों, कैसे और क्यों नहीं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते वक्त एक अपील कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। फिलहाल नमस्कार।